खबर पिलानी से है। जिला कलेक्टर रामावतार मीना और एसपी शरद चौधरी पिलानी पहुंचे। उन्होंने हरियाणा बॉर्डर का निरीक्षण किया, साथ ही पिलानी क्षेत्र से अटैच पुलिस चौकियों का भी निरीक्षण किया। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त की गई है। झुंझुनू में उपचुनाव को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी गई है। बॉर्डर से लगती 6 चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए स्थानीय समस्याएं भी जानी। मीडिया बंधुओं ने शहर की गली गली में लगे कचरे के ढेर की जानकारी जिला कलेक्टर को दी, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत सफाई व्यवस्था करवाने के आदेश दिए हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं और हरियाणा बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन भी अगले सप्ताह झुंझुनू का दौरा करने आएंगे। सीआई नारायण सिंह ने बताया कि हरियाणा बॉर्डर से आने वाले वाहनों की गहनता से जाँच की जा रही है। और आपकी जो सबसे पहली बॉर्डर की चेक पोस्ट पिलानी थाना क्षेत्र में है, वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद वो सूरजगढ़ और सब होते हुए लास्ट में पचेरी भी जाएंगे। 6 चेक पोस्ट है, 6 की 6 हम चेक करेंगे। वहाँ जाब्ते से मिलेंगे, वो मुस्तैदी से काम कर रहा है। उद्देश्य एक ही है कि हरियाणा की तरफ से अनावश्यक कोई गुंडे बदमाश इत्यादियों का आवागमन न हो, जो झुंझुनू के बाई इलेक्शन में व्यवधान न पहुंचा पाए। आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि निकट भविष्य में अगले सप्ताह अपने यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन महाजन जी भी झुंझुनू आने वाले हैं, तो उनको भी जिला कलेक्टर महोदय और मेरे द्वारा जो चुनावी तैयारियां हैं उससे रूबरू और अवगत कराया जाएगा। उन्होंने इच्छा व्यक्त करी इस तरफ आने की, तो वो भी आएंगे। बाकी उनका जो भी दिशा निर्देश होगा, जो हमें दिशा से मिल रहा है चुनाव आयोग से, उसकी पालना की जा रही है। ऑपरेशनल हो गए हैं और बीएलओ से मतदान केंद्रों की जो सुचारू व्यवस्था है, पानी बिजली रैंप छाया ये सब करवा रहे हैं। इसके अलावा भौतिक सत्यापन हम कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कर रहे हैं। मैंने एसपी साहब ने शहर का भी दौरा किया है, ग्रामीण क्षेत्र में हम जा रहे हैं। जो आदेश जारी किए जाने हैं उनकी पालना की जा रही है। संपूर्ण व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के निर्देश से जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से हमने सुनिश्चित की है। और जो 3 मूल सूत्र है चुनाव के, स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान, ये हम सुनिश्चित करवा रहे हैं। चुनाव आयोग के अन्य निर्देश जो प्राप्त होंगे, अभी ऑब्जर्वर साहबान भी आएंगे, अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है, तत्पश्चात विद्यार स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी, फिर फील्ड मूवमेंट होगा और मतदान। ये भी कोशिश की जा रही है कि मतदाताओं को अधिक से अधिक जागरूक करें, जिससे कि मतदान केंद्र पर निर्भीक होकर के मतदान करें। और मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में भी स्वीप का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सभी शैक्षणिक संस्थाएँ, स्वयंसेवी संस्थाएँ, अन्य क्लब, एनजीओ और भ्रांत नागरिकों से भी हम लोगों ने अपील की है कि आप अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जाए।